हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्कूल को लेकर के है कि 21 सितंबर से जो है वो स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि आंशिक रूप से स्कूल खुलेंगे, यानी कि 21 सितंबर से नौवीं से लेकर के बारहवीं के बच्चों के लिए आंशिक तौर पर खुलेंगे स्कूल। और यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुमति यहाँ पे दी गई है। स्कूल खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर चस्पा करने होंगे स्कूलों के लिए। ये अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे बच्चे। चलिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक आपने नहीं किया, और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए आई पूरी न्यूज देख लेते हैं कि शिक्षण संस्थानों में होंगे हैंड वॉश व मास्क, 2 गज की दूरी यहाँ पे जरूरी की गई है। चलिए, कोरोना काल में इस महीने की 21 तारीख से आंशिक तौर पर खुल रहे स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। स्टाफ रूम से लेकर क्लास रूम तक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें बीच बीच में हाथ भी धोते रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूल खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नौवीं से लेकर बारहवीं के बच्चों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी, जहां तहां थूकने पर पाबंदी होगी। दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाए। छात्र छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेकर स्कूल आएंगे। मंत्रालय ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखना होगा, और इसके लिए 50% शिक्षकों की स्कूल बुलाया जा सकता है। 50% शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी न्यूज में था कि 21 सितंबर से जो है स्कूल ओपन हो जाएंगे और नौवीं से बारहवीं तक के। लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये कहने का मतलब है कि स्वैच्छिक होगा। यदि पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, और भेजने से पहले उनको एक लिखित या फिर रिटर्न देना होगा कि वो अपनी स्वेच्छा से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और स्कूल को क्या एहतियात बरतने होंगे वो उस चीज की गाइडलाइन भी यहाँ पे जारी कर दी गई है कि जो 6 फीट की दूरी है वो भी बनाए रखना है। यहाँ पे स्टाफ रूम से लेकर के सभी लोगों को, यानी स्कूल में जितने लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी को मास्क लगाना कंपलसरी है। और स्कूल में थूकना भी वहां पे अलाउड नहीं होगा कि सभी जगह यहाँ वहां थूक दिया जाए। तो जो गाइडलाइन है, और बहुत सारे नंबर भी है स्कूल को अपने वहां पे बोर्ड में चस्पा करके रखने होंगे अधिकारियों के, क्योंकि COVID-19 से संबंधित, तो बहुत सारी चीजें गाइडलाइन में जो है वो जारी कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि अमल कितना होता है, क्योंकि पेरेंट्स इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे। अभी माहौल जो है वो कोरोना का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को इस टाइम स्कूल भेजेंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन के आगे गवर्नमेंट को भी थोड़ा झुकना पड़ रहा है। लॉन्ग टाइम से स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और खास तौर पे 10th and 12th जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनकी भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। इनके प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, ऑनलाइन तो स्टडी हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल का क्या होगा। बहुत सारी चीजें जो है वो मायने सामने आ रही हैं, इसलिए एक निर्णय लिया गया है कि शिक्षा के बेस पे पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन जो नियम होंगे, उन जो रूल बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन है, उसको स्कूल को फॉलो करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा कि क्या आपके राय में ये सही है या नहीं है जो 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। चरणबद्ध तरीका क्या है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया, यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले 9th से 12th खोला जाएगा, फिर इसके बाद 9th से 6th खोला जाएगा, फिर उसके बाद 1 से 5th, 3 से 5th, फिर उसके बाद 1 से 3, फिर उसके बाद यूकेजी एलकेजी। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से स्कूल को ओपन किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।